नमस्कार दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, आप लोग ट्राई करो खुद से, ठीक है? यहाँ पे पिक्चर आप खुद समझ लो, पॉज करो इस वीडियो को और ट्राई करो, ठीक है? तो चलो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ आप लोग को कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है? समझाऊंगा हिंदी मीडियम वाला, बिल्कुल टेंशन मतलब मैं इस क्वेश्चन को पूरे हिंदी में भी समझा दूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस, देखो ये ट्रेन है, ये जो पटरी है, मान लो कि इस पटरी को मैं और खींच देता हूँ, काला रंग से खींच देता हूँ, ये जो पटरी है ऐसे ऐसे चला जाता है, ये ट्रेन जो है ऐसे 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 यहाँ तक चला जाता है, ठीक है? दिस 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 दिस, ठीक है? अभी क्या बोल रहा है कि ट्रेन, एक ट्रेन है, द डिस्टेंस बिटवीन स्पेस, अब समझो कि यहाँ पी है, ये जो स्टेशन खुला है ये पी है, और यहाँ इसको आना है क्यू पे। एक ट्रेन है जिसको पी से क्यू तक आना है, ठीक है? जब ये पी से क्यू तक आता है तो जो इसका स्पीड होता है वो होता है 126 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? जब पी से क्यू तक ये ट्रेन आता है तो इसका स्पीड होता है 126 आवर। लेकिन जब क्यू से ये ट्रेन इधर आता है और घूम के वापस, देखो वो पटरी घूमने के लिए भी है, तो जब घूम के वापस जाता है तो ये जाता है 90 किलोमीटर पर आवर से, आता है 126, जाता है 190, 190 नहीं 90। एक दूसरा ट्रेन होता है, ठीक है, ठीक है, दूसरा ट्रेन होता है जो कि जो सेम डिस्टेंस एट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, अनदर ट्रेन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, जितना ये ट्रेन ट्रेवल करता है यहाँ से यहाँ तक उतना ही वो भी ट्रेवल करता है। टाइम टेकन बाय सेकेंड ट्रेन टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 225 मीटर। मैं कुछ गड़बड़ पढ़ रहा हूँ क्या? अच्छा सॉरी, तो जो ये जो आदमी है, ये जो आदमी नहीं है, जो ट्रेन है यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से यहाँ जाता है, तो जो इसका एवरेज स्पीड रहता है, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड हो गया। तो जो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड होता है उतना ही टाइम, ठीक है, अनदर ट्रेन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट द एवरेज, तो उतना ही स्पीड से, जो यार मैं पढ़ रहा हूँ खुद कंफ्यूज जा रहा हूँ, अनदर ट्रेन ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस एट द एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, यानी कि जो दूसरी ट्रेन होती है वो भी जो इसका एवरेज स्पीड है ना उसी के स्पीड से वो चलता है। अब पूछ रहा है कि अगर एवरेज, इसका जो एवरेज स्पीड है इसके हिसाब से दूसरा ट्रेन चले तो दूसरे वाले ट्रेन को 225 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। अभी क्वेश्चन बोल रहा है, मान लो कि 126 किलोमीटर और 90, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 126 किलोमीटर और 90 किलोमीटर, ये हो जाएगा स्पीड, ठीक है, स्पीड हो गया, क्योंकि जब यहाँ से ये ट्रेन यहाँ आता है तो 126 90 इधर से इधर जाता है तो होता है। क्यों ना हम एक डिस्टेंस को इनका एक एलसीएम मान लें, क्योंकि जब एलसीएम मान लेंगे तो उस एलसीएम से 126 भी कटा देगा उस एलसीएम को और 90 भी कटा देगा उस एलसीएम को, और हमें आसानी हो जाएगा करने में। एक्चुअली में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, और इस एलसीएम के 126 भी काटेगा, यानी कि जो डिस्टेंस आएगा टोटल डिस्टेंस, इसको 126 भी डिवाइड कर देगा और ये भी 90 भी। तो खैर बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल छोड़ो, तो 126 और 90 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी से कर लेता हूँ कॉपी में, आप लोग कर लो क्योंकि फिर यहाँ करूँगा तो फिर टाइम लगेगा। तो 126 और ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 630, ठीक है, तो आप लोग फटाक से करना, टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोग को। इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि मान लो कि एक तरफ का जो डिस्टेंस है वो है 630, तो 126 में 10 से इंटू करेंगे तो 1260 हो जाएगा, यानी कि 5 से इंटू करने पर 630 आएगा, और 90 कैसे आएगा, 9 7 7 9 63, तो 7 बार में 90 आ जाएगा। ये क्या निकला, ये 5 और 7 क्या निकला, स्पीड, हमें डिस्टेंस मालूम है, डिस्टेंस से जब स्पीड को डिवाइड दिए तो ये टाइम, यानी कि 5 घंटा इसको लगता है, इसको 7 घंटा लगता है, इसको नहीं, जब ये 126 के रफ्तार से आता है तो इसको 5 घंटा लगता है 630 किलोमीटर जाने में, और जो 90 के रफ्तार से इधर जाता है तो उसको 7 घंटा लगता है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज देखो, एवरेज में याद रखना है कि 1260 किलोमीटर ये चलेगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस होता है,
तो टोटल जब इधर से आया तो 630, उधर से गया तो 630, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टाइम उधर से आने टाइम इसको 5 लगा था और जाने टाइम 7, 7 5 कितना होता, 7 चलेगा 12 होता। तो ये देखो इसको जो एवरेज स्पीड रहा वो कितना रहा, 105 किलोमीटर पर घंटा, 105 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड रहा। ठीक है, यहाँ निकल गया, ये हटा देते हैं ये सब ताम झाम। अब बोल रहा है कि एक दूसरा ट्रेन है, अगर उसको इसके एवरेज से चल रहा है वो, तो उसको 525 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा। तो यार ये बड़बक 5 घंटा लगे यार, क्योंकि 105 किलोमीटर चलेगा तो 125 जाने में 5 घंटा। पूरा एकदम डिटेल में पिक्चर के साथ इतना कहानी बना के समझाए, इसलिए टाइम लगा है, लेकिन जो भी समझाए हैं उम्मीद है आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।